हेलो एवरीवन, आईटीए एनसीबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अप्रेंटिसशिप लेकर आया हूँ। यह अप्रेंटिसशिप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने निकाला है, यानी स्टेट बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने निकाला है। तो अब यहाँ पर चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसी हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो कुछ जो हमारे स्टेट हैं, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूटी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूटी चंडीगढ़, यानी यूटी मतलब कि आप देख पा रहे होंगे यूनियन टेरिटरी, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश, यानी कि जो हमारे राज्य हैं भारत के, यहाँ पर मैक्सिमम जगह पर आपकी वैकेंसी निकली है। और यह टोटल वैकेंसी है लगभग 6,160 वैकेंसी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी के हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर लैंग्वेज जो दिया गया है कि इस लैंग्वेज से आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है, वो लैंग्वेज इसेंशियल है। तो छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर आप हिंदी से एग्ज़ाम और हिंदी से वहाँ पर जो लैंग्वेज है उसको प्रेफर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6,160 वैकेंसी में आप लोग जरूर इसमें सम्मिलित होंगे। और ये एक और अच्छा ऐसा प्लस पॉइंट है कि जो कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि EWS, SC ST, OBC, तो इनके लिए एज का रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छा दिया गया है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो एज का जो है वो भी मैं भी क्लियर कर दूंगा। तो अभी देखिए गुजरात में जैसे 291 सीट है, तो अब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कितनी सिटी होंगी, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नोटिफिकेशन दिया गया है। जैसे अहमदाबाद हो गया, अमरेली हो गया, आनंद हो गया, अरावली हो गया, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, नीचे जाएंगे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी एक हम एक सिनेरियो दिखा दें कि क्या क्या वैकेंसी कहाँ कहाँ है। उत्तर प्रदेश देखिए, लखनऊ में आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है लखनऊ में 44, लखीमपुर हो गए 4, सीतापुर 3, अयोध्या 4, बहराइच। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह काफ़ी सारी वैकेंसी है, पर ये कि 412 वैकेंसी है, तो ऑल यूपी में 412 वैकेंसी है। तो आपको लगता है कि इसमें हम आ सकते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और वैकेंसी 6,160 है और आप एक जगह अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कई जगह अप्लाई कर दें। तो यदि आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सीट आपके लिए रिजर्व की जाएगी। तो आप देख लीजिएगा कि अब देखिए यदि सबको काउंट करा जाए तो यदि एक मेन एग्ज़ाम में यदि यूपी की 412 वैकेंसी बात करें तो कहीं ना कहीं आपका नंबर आ ही जाएगा। तो यदि आपको आपको जहाँ से लगता है कि वो पर लैंग्वेज आप जरूर चूज़ करिएगा कि आपकी लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। एज का रिलैक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, 20 वर्ष से 28 ईयर्स तक है, 20 ईयर्स से 28 ईयर्स तक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी में 18 to 24 होता है, कई सारे बच्चे रह जाते हैं। तो 28 ईयर्स इसकी एज हो गई और उसके ऊपर से भी रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप SC ST OBC या PWD के अंतर्गत में आते हैं। तो यदि ऐसे कोई बच्चे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये रिजर्वेशन हो गया हमारा, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, यहाँ पर लिखा होगा क्या क्या चीज़ की इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन क्या होगा आपका जो ट्रेनिंग का, 1 ईयर है, ग्रेजुएशन होना चाहिए एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपके किसी इंस्टीट्यूट से या किसी यूनिवर्सिटी से। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन, क्योंकि जो इसकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी है वो किसी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्या होगा। 25 क्वेश्चन आपके अवेयरनेस से आएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होंगे जो कि इंग्लिश में ही होंगे, एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगी 25, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे और 60 मिनट होंगे। इसका मतलब है कि 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। आप इन इन जगह में एग्ज़ाम के लिए सेंटर बनाए जाएंगे, तो यूपी अपना में उत्तर प्रदेश है ही, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। और ये एग्ज़ाम आपकी अक्टूबर और नवंबर के बीच में टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया गया है,
यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहाँ कहाँ होंगे, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, फैजाबाद, मुरादाबाद, यहाँ सब होंगे। कानपुर भी सेंटर है, आप कानपुर में भी जा सकते हैं। अब देख लीजिए फीस का, देख लीजिए यहाँ पर 300 रुपये OBC जनरल और EWS के, 300 रुपये है। SC ST के लिए निल है, 0 रुपीस, 0 फीस है। इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी, ऐसा नहीं है, वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी, लिखा हुआ वेटिंग लिस्ट। यदि कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है और उसके मार्क्स थोड़े से भी कम है, यदि उसका वेटिंग लिस्ट में आता है, यदि कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है, तो उसको वहाँ पर रख लिया जाएगा। और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जनरल गाइडलाइंस देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो गाइडलाइन में जाएंगे आप तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक अप्रेंटिसशिप इंडिया का पोर्टल होता है, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और लिखा हुआ BFSIS, यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी, यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपकी साइट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, BFSIS SSC.com में। और बैंक की जो SBI कैरियर है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, SBI.co.in, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो जो भी बेटर लगे आप इन साइट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो ग्रुप में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 7318160808, हो सकेगा तो मैं इसके पुराने पेपर्स को भी आप तक पहुंचा दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इससे पहले बहुत बार ये एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैं उसके पुराने पेपर्स भी आप तक मैं पहुँचा दूंगा। तो बस उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग मेन साइट पर आ जाएँ, चाहे या तो आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल में यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हुआ है तो वहाँ से जा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी SBI कैरियर से भी जा सकते हैं, पर आप अपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि कई सारी वैकेंसी आपको पता नहीं चलती है और यहाँ पर आती है और बच्चे लोग छूट जाते हैं। कॉल लेटर है, यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको कॉल किया जाएगा, और आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपके पास एग्जामिनेशन में होना चाहिए आइडेंटिटी कार्ड। और जो भी अनाउंसमेंट होंगे आपके कैरियर, SBI.career में भी आ जाएंगे, और इन सभी अप्रेंटिसशिप पोर्टल इंडिया में भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अप्लाई कर दें। इसका जो डेट है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, किस डेट से किस डेट तक इस फिल किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इसको फिल कर देंगे, इसके लिए एक प्रॉपर डेट होगी। तो डेट को मैं अब दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये डेट आपकी राउंड ऑफ 20 डेज चलती है, आपके जो भी जिस दिन से आपका फॉर्म आता है उससे 20 डेज में ही आपको फिल करके भेजना है। तो देख लेता हूँ एक बार कि इसकी डेट क्या है, क्योंकि डेट आगे दी गई होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21, यानी कि 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और 1 सितंबर से ये आपका स्टार्ट हो गया फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो 21 तारीख तक आप लोग उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मौका मिल सके, और ये जो एज का जो क्राइटेरिया है ये भी फुलफ़िल हो जाए, क्योंकि कई सारे बच्चे छूट जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस अप्रेंटिसशिप को ज़रूर फॉलो करेंगे, यानी कि इसका एग्ज़ाम देंगे। और भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा अप्रेंटिसशिप के लिए, क्योंकि इसी अप्रेंटिसशिप का दौर चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक दो वीडियोस और मैं लेके आऊँ अप्रेंटिसशिप के, जो अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।